सो नाउ वी विल स्टार्ट हैच। हैच एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। सो हैच में क्या है, पहले आप एक क्लोज्ड एरिया बनाइए। आप क्लोज्ड एरिया कैसे बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल से क्लोज्ड एरिया बना सकते हैं, आप एक सर्कल से क्लोज्ड एरिया बना सकते हैं, आप लाइन टूल से एक क्लोज्ड एरिया बना सकते हैं, या एक इंटरसेक्शन पॉइंट से भी क्लोज्ड एरिया बना सकते हैं, ऐसे लाइक दिस। ओके, सो हियर वी आर हैविंग फोर एग्जांपल्स ऑफ ए क्लोज्ड एरिया। ओके, सो अभी मैं ड्रॉ में जाता हूँ, आई गो टू हैच। सो मैंने हैच टूल के ऊपर क्लिक किया। सो हैच में देखिए, फर्स्ट यू हैव टू यूज टू थिंग्स। वन इज यू कैन यूज ऐड पॉइंट्स और यू कैन यूज ऐड ऑब्जेक्ट्स। तो आपका ऑब्जेक्ट्स कौन सा कैटेगरी में जाएगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट कैटेगरी में जाएगा, और ये वाला जो दोनों है ये दोनों आपका पॉइंट्स कैटेगरी में जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पिक पॉइंट्स क्लिक किया और यहाँ बीच में मैंने क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने बीच में क्लिक किया, मैंने कीबोर्ड में एक बार एंटर प्रेस किया। ओके, अभी देखिए, आई हैव आइडेंटिफाई दिस टू एरियाज। सो यहाँ पे हैच में पहला है प्री डिफाइंड, मेरे कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करके एक एक पैटर्न देख सकता हूँ। ओके, लाइक दिस। फिर यहाँ पे आप स्वैच पे क्लिक कीजिए तो आपका जो डिफरेंट पैटर्न्स है इसका आपका एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देगा। मान लीजिए मैंने ये डॉलमिट यूज़ किया। ओके, इसके बाद आप ओके करने से पहले एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए आपका आउटपुट इस टाइप का आएगा। ओके, सो अभी आप कीबोर्ड में एस्केप प्रेस कीजिए, एंटर मत कीजिए, एस्केप प्रेस कीजिए। एस्केप प्रेस करने के बाद मान लीजिए मुझे लगा ये बहुत छोटा छोटा हो गया है, तो मुझे इसका स्केल थोड़ा बड़ा चाहिए। सो यहाँ पे आपका स्केल है, ये 1 को मान लीजिए मैं 1.75 कर देता हूँ, फिर मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी अगर आप एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप पहले एस्केप कीजिए, इसके बाद मान लीजिए आपको लगा ये ठीक है तो आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए, या एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई ए हैच। अभी मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज़ करता हूँ। सो मैंने ड्रॉ में क्लिक किया, हैच में क्लिक किया, इसके बाद मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्लिक किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको क्लिक किया, फिर एंटर प्रेस किया। सो ये दोनों ऑब्जेक्ट कैटेगरी में है और ये दोनों मेरा पॉइंट्स कैटेगरी में है। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल चूज द टाइप। ये कौन सा टाइप आपको चाहिए आप वैसा सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने हनी प्रेस किया। ओके, यहाँ प्रीव्यू क्लिक करेंगे। अभी मुझे लग रहा है नहीं, ये बहुत छोटा हो जा रहा है, मैं एस्केप प्रेस किया, इसको मैं स्केल 3 मैंने टाइप किया, फिर प्रीव्यू किया, अभी मुझे ठीक ठाक लग रहा है, तो अभी मैं ओके के ऊपर प्रेस करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मेरा हैच अप्लाई हो गया। सो कभी कभी क्या होता है, जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो अंदर का एरिया, मान लीजिए आपको ग्रास दिखाना है या कोई टाइल दिखाना है, तो आप हैच अप्लाई करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इसको बोलते हैं हैच।